कर्नाटक जनाब सिद्धरामैया साहब जो मुसलमाना के बैकआउट के एससी के बहुत कमजोर तबके के बहुत हमदर्द है इन्हों इम्कान है कांग्रेस पार्टी आ गई तो उनके चीफ मिनिस्टर होने के 100% इम्कान है। ये भी शख्स ऐसे ही आज के हालात तो मैं ज़्यादा आपके सामने क्या भी बता नहीं सकता, ऐसा सेक्युलर माइंड आदमी चीफ मिनिस्टर हुआ तो भी हमना बहुत अच्छा है, इसलिए हमें इनकी भी सूरत देखो तुम्हें कांग्रेस को वोट दियो करके मेरी अपील। बाजार का सदर सैयद शफी आपसे अपील कर रहा हूँ और मेरे साथिया जो गुजरी बाजार के सेक्रेटरी हैं कैशियर हैं और डायरेक्टर हैं हमारे पूरे मेम्बरान डायरेक्टर हैं इनका सबका आप तमाम से गुजारिश है कि तमाम ये खोकर होने वाले 10 तारीख के असम्बली के इंतखाबात में वोट देकर कामयाब बनाए कांग्रेस पार्टी को। अस्सलाम वालेकुम सर, सर गुजरी बाजार में आप मुझे बुलाएं फ़ोन करके, मौसर क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारा मकसद रियासती कर्नाटक के होने वाले 10 तारीख के इंतखाबात के सिलसिले से मजलिस मुंतजिमान यू गुजरी बाजार मैसूर मुत्तफिक तौर से यह फैसला लिया गया तमाम मैसूर के मुसलमानों से केआर कॉन्स्टिट्यूंसी यानी के सोमशेखर साहब चांद राजा कॉन्स्टिट्यूंसी जाने हरीश गौड़ा साहब एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी जब जनाब तनवीर सेठ साहब उससे बढ़कर कांग्रेस पार्टी एक फिरका वाराना पार्टी को शिकस्त देने वाली पार्टी वाहिद कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हम तमाम मैसूर के मुसलमाना से अपील करती गुजरी बाजार की तरफ से मुत्तहिद होकर जो पार्टी बीजेपी को हराने वाली है वो सिर्फ कांग्रेस है। इसीलिए हमारी आजीजाना गुजारिश मोदबाना गुजारिश है कि तमाम मुसलमानों को खासकर नौजवानों को इधर उधर भटकने से इधर उधर के बातें सुनने से जब जीत हो सके आपकी मेहनत से कांग्रेस जीत सकती है बल्कि दूसरी पार्टी नहीं जीत सकती है एक अंदाज़ा है, इसलिए हम ये कर रही। इसके अलावा भी हमारे गुजरी के वजूद में जनाब अजीज शेख साहब का बहुत बड़ा रोल रहा, गुजरी बनाने के अंदर उनकी बहुत बड़ी खिदमत थी, ब्रिटिश कॉलोनी बनाने में उनकी बहुत बड़ी खिदमत थी, हमारे गुजरी के सदर साहब अनवर बेग साहब थे उनके वाले हमारे तनवीर सेठ के वालिद को हर हमेशा काम करते थे हमारे बड़े, आज हमें उनके नक्शे कदम पर चलकर हमें उनको तनवीर सेठ को काम कर रहे हैं बल्कि तनवीर सेठ को नहीं देख रही हमें कांग्रेस पार्टी को देख रही हूँ। इसके अलावा जो कांग्रेस के वादे ही जो इलेक्शन आने के जीत के आने के बाद इसमें बहुत बड़े गरीबों को मिडिल क्लास फैमिलियों को बहुत बड़ा फायदा होने का है और ये भी मद्देनज़र रखते हुए जैसा कि उनकी स्कीम में ये घर की बैंकों को 2000 रुपये देने का वादा है, जैसा कि 200 यूनिट बिजली देने का वादा है, जैसा कि 10 KG चावल देने का एक आदमी को वादा है, जैसा कि 3000 रुपये ग्रेजुएट बच्चा पढ़ को है उसे नौकरी मिलने तक 3000 रुपये देने का वादा है, जैसा कि डिप्लोमा करिया सो आदमी को 1500 देने का वादा है और उसके अलावा लेडीज के वास्ते बस का इंतजाम फ्री कर देने का वादा है। इसके बावजूद ये तो जाहिरी अजबाब है, इसके अलावा और मुसलमानों को बीजेपी को हराना कांग्रेस को लाना एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। फिर एक बार हमें आप तो अपील करते ही पूरे मैसूर के मुसलमान ये खोकर कांग्रेस पार्टी को वोट दें क्योंकि हमारे मजहब के पर हाल ही में जो हिजाब का मसला हुआ हलाल का मसला हुआ
जो जो बरसात से धंधे करते थे देवलांग पास बैठकर, उनको हटाने का मसला हुआ। मुसलमाना की मैशियत पर, मुसलमाना के इस पर बहुत बड़ी साजिश है। अब अर्जेंट में मैनिफेस्टो में नाबन सिविल कोर्ट का पहला हमारा एजेंडा करके बोले, और दूसरा एनआरसी का है, सीएए का है, ये सब चीज़ें मसले हैं हमारे सामने। ये साहिबा आए तो हमारी इसके अंदर बहुत बड़ी परेशानियां होती है हमारे कमज़ोर मुसलमानों को इससे उससे। तो हमारा जीतने का सिलसिला, हमें कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनेंगे ऐसे इम्कानात रोशन नहीं। इससे अपील करती तमाम भाइयां, एक हो को मुसलमाना वोट दियो। और सबसे पहली अपील ये है मेरी, हमारा वोट को ज़ाया करो ना को। ये सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता था, वो मेरे जहन से निकल गई। सबसे पहले हमारे वोट को ज़ाया करो ना को, किसी बहाने से किसी इससे वोट ज़ाया करो ना को। 100% वोट होना ऐसा मामला करो, क्योंकि आज हमारा हिंदुस्तान में वोटिंग पावर जो है वो छपना नहीं, तो हमारा वोट चलेगा तो हमारा दूसरे दर्जे के शहरी बना को छोड़ रहा थी। इसके वास्ते गुजारिश करती तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर कांग्रेस के हक में 3 कॉन्फ्रेंस है मैसूर के, एनआर चामराजा केआर, इसे मेहरबानी करके वोट दे मैसूर के मुसलमानों से अपील करती। और हो सके तो हमारी आवाज़ कर्नाटक तक भी गई तो हमें कर्नाटक के मुसलमानों को अपील करती, सारे एक होकर कांग्रेस पार्टी के हक में वोट दें।